Assalamualaikum. Lecture is basically behavioral approach to money supply और money multiplier के बारे में है कि अभी तक जो भी हमने money multiplier पढ़े थे उसको हमने बोल रहे थे अभी तक कि वो जो है वो constant है, change नहीं हो सकते. लेकिन अब जो है वो money multiplier जो है वो हम finally उसको जो है वो function बोल रहे हैं और जो कि depend करता है different जो है factors पे और this is subject to change. It can change. अच्छा, मनी मल्टीप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. जब हमने मनी मल्टीप्लाई पढ़ा था तो हमने उसमें करेंसी डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो पढ़ा था और उससे बोला था कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी नंबर है. अब हम उन दोनों को जो है वो एक कुछ वेरिएबल से लिंक कर रहे हैं और चूंकि इन वेरिएबल के इंक्रीज डिक्रीज होने से करेंसी डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो चेंज होगा तो फिर हमारा मनी मल्टीप्लाई भी चेंज हो सकता है. अच्छा, करेंसी डिपॉजिट रेशियो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ये किस पर डिपेंड करता है, रियल जीडीपी पे. रियल जीडीपी का मतलब ये कि जब रियल जीडीपी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी इकोनॉमी की इन टर्म्स ऑफ इन रियल टर्म्स, जो कि रियल टर्म्स का मतलब है कि जो कि प्रोडक्शन चेंज हो रही है, कोई प्राइसेस के चेंज होने से जीडीपी चेंज नहीं दिखा रहे बल्कि एक्चुअल में प्रोडक्शन चेंज हो रही है इकोनॉमी की, तो उससे इनकम जो है वो इंक्रीज होगी ऑब्वियसली. और जब हमारे हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी तो हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा ख़रीदें, और जब हम ज़्यादा ख़रीदना चाहेंगे कि तो हम अपने हाथ में पैसा ज़्यादा रखेंगे तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा. तो रियल जीडीपी के इंक्रीज होने की वजह से करेंसी डिपॉजिट रेशियो भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दैट. अच्छा, सेकेंड हमारा मनी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. मनी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट कैन बी कैटेगराइज्ड टू एनी इंटरेस्ट रेट. अच्छा, अब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो नाउ वी कैन अर्न मोर. और जब हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होगा तो हम चाहेंगे कि हम डिपॉजिट ज़्यादा करवाएं और हाथ में पैसा कम रखें, क्योंकि डिपॉजिट ज़्यादा करवाने से जो है वो हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें जो है वो ज़्यादा जो है वो अर्न कर रहे हैं हम डिपॉजिट करवाने से, तो इसलिए हम हाथ में पैसा रखने को जो है वो कम तरजीह देंगे. डिपॉजिट ज़्यादा करवाएंगे तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा. तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और करेंसी डिपॉजिट रेशियो में. थर्ड फैक्टर हमारा आता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो. अच्छा, अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो इसका जो है वो क्या रिलेशनशिप है हमारे करेंसी डिपॉजिट रेशियो से, कि इसके आप दो तरह से जो है वो उसकी रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहले कि जब टैक्स रेट इंक्रीज होता है तो वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देता है. डिस्पोजेबल इनकम यानी इनकम माइनस टैक्स. जब टैक्स अमाउंट कम हो ज़्यादा होगी तो इनकम में से ज़्यादा टैक्स माइनस होगा और हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी स्पेंडिंग के लिए वो कम बचेगी. तो जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैश चाहिए होगा डेली ट्रांजेक्शन, यानी टैक्स अब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा माइनस हो रहा है इनकम में से, इनकम हमारे पास कम बच रही है स्पेंडिंग के लिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैश चाहिए कि हम हाथ पे रखें डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए. तो कैश टू जीडीपी रेशियो जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज होगा. सेकेंड ये कि आप इसको इस तरह बता सकते हैं कि जब भी एक बिहेवियर है कंज्यूमर का कि वो जो है वो टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं, टैक्स से बचना चाहते हैं, तो नॉर्मली वो फेस्टिवल्स जैसे रमज़ान में वो क्या करते हैं कि बैंक से लार्ज अमाउंट ऑफ विड्रॉल हो रहा होता है, यानी पैसा बहुत तेज़ी से बाहर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा. तो उस टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं कि अपने पैसे जो है वो बाहर निकाल रहे होते हैं. बाहर निकालने का मतलब क्या है कि वो डिपॉजिट कम करवा रहे होते हैं और हाथ में पैसा ज़्यादा रख रहे होते हैं. तो दोनों कंडीशंस दोनों एग्जांपल्स में हमें क्या पता लग रहा है कि जब टैक्स ज़्यादा होगा तो लोग हाथ में ज़्यादा पैसा रखेंगे बनिस्बत डिपॉजिट के. फोर्थ जो है वो हमारा बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि पेमेंट डेट बी मेड ऑन करेंसी डिवाइडेड बाय पेमेंट डेट बी मेड ऑन चेक्स. ये एक हमने फैक्टर लिया है कि वो पेमेंट जो कि हम करेंसी से कर रहे हैं डिवाइडेड बाय वो पेमेंट जो कि हम चेक से कर रहे हैं. यूजुअली क्या होता है कि जो बिग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो हम थ्रू चेक कर रहे होते हैं, और जो छोटी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम थ्रू करेंसी कर रहे होते हैं, और बड़ी ट्रांजेक्शन और जो है वो हम ड्यूरेबल गुड्स पे कर रहे होते हैं, और जो छोटी ट्रांजेक्शन होती है हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे कर रहे होते हैं. तो ड्यूरेबल गुड्स में बहुत से आइटम आ जाते हैं जो कि मोर देन वन ईयर जो है वो चल रहे होते हैं, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में छोटे आइटम्स आते हैं.
अच्छा, तो अब क्या होता है कि अगर इकोनॉमी का बिहेवियर है कि वो ड्यूरेबल गुड्स पे ज़्यादा स्पेंड करता है, इसका मतलब है कि उसको बिग ट्रांजिट पेमेंट करनी है और वो थ्रू चेक ज़्यादा करेगा, तो इस थ्रू चेक करेगा, इसका मतलब है कि जैसे ऑब्वियसली उसने हाथ में पैसा कम रखा हुआ है, डिपॉजिट ज़्यादा है, तभी वो थ्रू चेक कर रहा है, थ्रू कैश नहीं कर रहा, उसको हाथ में पैसा ज़्यादा नहीं रखना पड़ रहा। लेकिन अगर इकोनॉमी का बिहेवियर ये है कि वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इसका मतलब है नॉन ड्यूरेबल गुड्स की पेमेंट करने के लिए पेमेंट ज़्यादातर करेंसी होती है, तो इन टर्म्स ऑफ करेंसी होती है, तो उन्हें हाथ में पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, इसका आप एक्चुअल रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है बिहेवियर पे लोगों के, कि वो ड्यूरेबल गुड्स पे ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं या नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे। सेकंड, तो ऑब्वियसली आपका जो है यू है, ये आपका टेस्ट शो कर रहा है, टेस्ट और प्रेफरेंस। कि कुछ लोग होते हैं वो जो कि उनका बिहेवियर होता है, प्रेफरेंस होती है कि वो हाथ में पैसा ज़्यादा रखने को जो है वो सही समझते हैं, और कुछ जो है वो सेफ उन्हें लगता है कि वो बैंक में पैसा रखें। तो ये इकोनॉमी के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो हाथ में पैसा ज़्यादा रखते हैं या बैंक में ज़्यादा रखते हैं। तो अगर हाथ में ज़्यादा रखते हैं तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज़्यादा होगा, बैंक में ज़्यादा रखते हैं डिपेंड डिपॉजिट करवा रहे हैं तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो कम होगा। अच्छा, सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अच्छा, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो और इंटरेस्ट रेट ऑन लोन बाय द अल्टीमेट बोरोअर्स। अच्छा, ये चूंकि हमारा एक्चुअल रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है, इसका फंक्शन बोला है रिक्वायर्ड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो पे ही डिपेंड करते हैं, और इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, लोन पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बैंक को उस पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन को हम डिफाइन करें कि उसका क्या रिलेशनशिप है एक्चुअल रिजर्व डिपॉजिट रेशियो से, तो इफ बैंक रिसीव्स मोर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, दे वॉन्ट मोर लोन ऑन डिपॉजिट बिकॉज इट इज एन इंसेंटिव फॉर कमर्शियल बैंक, सो हायर द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन मोर लोन दे गिव बिकॉज ऑफ इट द रिजर्व इंक्रीज एंड मोर आर द रिजर्व हायर द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अच्छा, अब ये आपको क्या कह रहे हैं कि अगर बैंक्स जो हैं उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा लोन पे, तो वो क्या कहेंगे कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जब उन्हें लोन पे मिल रहा होगा तो वो ज़्यादा लोन क्रिएट करेंगे। जब वो ज़्यादा लोन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि क्योंकि उनको एक इंसेंटिव मिल रहा है, तो रिजर्व जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और रिजर्व इंक्रीज होंगे तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। यानी सिंपल ये कि अगर इंटरेस्ट रेट और लोन ज़्यादा होगा तो डिपॉजिट भी ज़्यादा क्रिएट होंगे और रिजर्व भी ज़्यादा क्रिएट होंगे। सेकेंड ये कि ये तो एक वो बात है कि रिक्वायर्ड और एक्चुअल जो है वो जो भी एक्चुअल होता है वो रिक्वायर्ड को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है, तो अगर रिक्वायर्ड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होगा तो एक्चुअल रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी ज़्यादा होगा, और अगर रिक्वायर्ड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो कम होगा तो एक्चुअल रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी कम होगा। तो दोनों का जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के साथ। अच्छा, अब हम जो मनी मल्टीप्लायर लिखेंगे, जो कि हमने पहला मनी मल्टीप्लायर सिंपल लिखा था, हम इन सबको कॉन्स्टेंट जो है अजीव कर रहे थे, अब उसको फंक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। आप सी की जगह पे जो है उसको पूरा फंक्शन लिखा जाएगा, आर की जगह पे उसको पूरा फंक्शन लिखेगा, अब ये जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं चेंज हो सकते। अब ये तो हमने मनी मल्टीप्लायर के इस पार्ट का जो है उसको फंक्शनल फॉर्म बना दिए, अब हमारे पास बेस मनी बनाए, बेस मनी बचा है जिसको अभी अभी तक हम कांस्टेंट जो है वो कंसिडर कर रहे थे, लेकिन इट कैन नॉट बी कांस्टेंट, ये जो है वो इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, चेंज हो सकता है ये। तो अब हम मॉनिटरी बेस को देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मॉनिटरी बेस को चेंज कर सकते हैं। वी विल डिराइव इट मैथमेटिकली थ्रू पब्लिक सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट के थ्रू जो है वो हम मॉनिटरी बेस की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। पब्लिक सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो है वो बोरिंग रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल बोरिंग, यानी गवर्नमेंट जो है उससे उसको पैसा चाहिए होता है, बोरिंग उसको करनी होती है, तो वो मुल्क के कंट्री के लिमिट में रहते हुए भी जो है वो बोरो कर सकती है और बाहर से भी वो बोरो कर सकती है। अच्छा, तो गवर्नमेंट कैन जनरेट इट्स रेवेन्यू बाय थ्री वेज, गवर्नमेंट के पास थ्री वेज और थ्री मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। फर्स्ट मेथड उसका जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, यानी बिल्स इम्पोज करके चीज़ों पे जो इन टैक्सेस में सेल्स टैक्स लगा के, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के जो है वो, यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं,
डिस्पोजेबल इनकम पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा रही, वो चीज़ों पे टैक्स लगा रही है, तो चीज़ें जो है महंगी हो रही, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो है वो उसके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सेकेंड वे क्या होता है कि वो अपना बॉन्ड सेल कर ले, एंड इधर इंटरनली और डोमेस्टिकली और एक्सटर्नली। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि हमने ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स का जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, कि जब उसे जो है वो पैसों की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि बॉन्ड सर्कुलेट कर देती है, बॉन्ड जो है वो सेल कर देती है और पैसा जो है वो उसके पास आ जाता है। मतलब लोग उससे बॉन्ड खरीदते हैं तो पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास आ जाता है, तो फाइनेंशियल जो उसको पैसे की ज़रूरत होती है वो उसकी जो है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, अब वो बॉन्ड सर्कुलेट वो इंटरनली भी कर सकती है, एक्सटर्नली भी कर सकती है, यानी वो बाहर भी वो बॉन्ड सेल कर सकती है कि बाहर जो है कोई खरीदना चाहे तो वो बॉन्ड खरीद ले, लेकिन बाहर जब वो सर्कुलेट करेगी तो उसे पैसा इन टर्म्स ऑफ दियर करेंसी पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर कोई बाहर का बंदा खरीदेगा तो वो तो पाकिस्तानी रुपये में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है उसको नहीं चाहिए होगा, उसको चाहिए होगा डॉलर्स में, वो खरीदेगा भी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ही खरीदेगा, उसको इंटरेस्ट रेट भी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या अदर करेंसी चाहिए होगा। ठीक है, तो सेकेंड वे ये है। थर्ड वे हमारे पास कौन सा आता है कि थर्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग इज मनी प्रिंटिंग। मनी प्रिंटिंग डन बाय सेंट्रल बैंक के लिए जो है वो जो सबसे जो है वो एक्सपेंसिव जो है वो मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो है वो मनी प्रिंटिंग हो रही होती है, पैसे ज़्यादा प्रिंट करके जो है वो फाइनेंसिंग की जा रही होती है सेंट्रल बैंक की, और पैसे जब आप सब ज़्यादा जो है वो प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली मॉनिटरी बेस आपकी चेंज होगी, आप जो है वो करेंसी को रिजर्व करेंसी पे रिजर्व को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं कि जो पहले से मार्केट में जो सर्कुलेशन हुई थी पैसे की, आप उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें और पैसा जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो इससे जो है आपकी मॉनिटरी बेस चेंज होगी। और बॉन्ड सर्कुलेट करने से क्या होता है कि ये भी जो है वो आपको, आप एक तरह से विशेष सर्कल में जो है वो विशेष सर्कल ऑफ डेट में जो है वो फंस जाते हैं। होता ये कि पहले से आपको पैसों की ज़रूरत होती है, पहले से आपके पास पैसे नहीं होते, फिर आप क्या करते हैं कि आप बोलते हैं कि भाई आप बॉन्ड सर्कुलेट कर देते हैं, आपको बोलते हैं कि फिर मुझे पैसा उस वक्त तो मिल जाता है, करंट स्टेज में वक्त में तो आपको जो है वो पैसा मिल जाता है, लेकिन फ्यूचर में आपको क्या करना होता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। तो अगर आपके पास अभी ही पैसा नहीं है और फ्यूचर में जो है वो आपने उसे ट्रिपल नहीं किया उस पैसे को जो आपने अभी जो है वो पब्लिक से ले लिया है, तो क्या होगा कि आपको फिर और लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस नहीं करना जो आपने अभी लोगों से लिया, आपको उस पर इंटरेस्ट रेट भी वापस करना है। तो ये क्या होता है, एक डेट क्रिएशन होती है जो कि ये इंक्रीज होती रहती है। अच्छा, अब यूजुअली ये होता क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट चल रहा होता है, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट ही डिफरेंट टर्म्स ऑफ बोरोइंग कर रहा होता है। अच्छा, डिटरमिनेंट्स ऑफ मॉनिटरी बेस, मॉनिटरी बेस इज अ बिहेवियर नाउन। अच्छा, हमने क्या देखा है कि जी प्लस टी आर, यानी जी प्लस टी आर, ये दोनों जो है, एक जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा जो है वो हमारा ट्रांसफर पेमेंट को शो कर रहा है। ट्रांसफर पेमेंट जो कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कर रहा होता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे पेंशन हमारे पास आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, ये सब जो है वो ट्रांसफर पेमेंट में आते हैं, जो विदाउट एनी सर्विस जो है वो रेंडर्ड कर रहा होता है। और ये उसके एक्सपेंडिचर्स हैं और उसके जो है वो रेवेन्यूज कौन कौन से हैं थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो चेंज इन बेस मनी है ये आपको वो तरीका बता रहा है थर्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग मनी प्रिंटिंग, इससे जो है वो आपकी मॉनिटरी बेस चेंज हो रही होती है। थर्ड जो आपको जिस चेंज इन डेट शो कर रहा है कि जब वो बॉन्ड को इशू कर रहा होता है, तो ये उसके एक्सपेंडिचर्स हैं और ये उसके रेवेन्यूज हैं। अच्छा, अब अगर हमें पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट की जो है वो इक्वेशन बनानी हो, तो पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट जो है वो ये दिखा रहा होता है एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू। तो एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू जब भी हमने लिखा होता है तो ये शो कर रहा होता है कि बोरिंग रिक्वायरमेंट, यानी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में जा रहा है। जब हम एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू लिखते हैं तो ये बजट डेफिसिट शो कर रहा होता है। ये एक जो है वो मेथड है, ये हर जगह जब हम इकोनॉमी में पढ़ते आते हैं कि जब भी इक्वेशन इस तरह लिखी हुई होती है ना कि एक्सपेंडिचर जो कि जी प्लस टी आर अभी हम ले रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू अगर आपके पास लिखा हुआ है तो ये शो कर रहा है कि ये आपका गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है। ऑब्वियसली डेफिसिट है तो वो बोरोइंग करेगा,
बोरिंग जो है वो किन तरीकों से वो करेगा कि चेंज इन बेस में ही होगी और उससे और चेंज इन डेट होगा, यानी वो मनी प्रिंटिंग के थ्रू या बॉन्ड के जरिए जो है वो बोरोइंग कर रहा होगा, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस तो एक तरह से बोरो नहीं है, वो तो टैक्स लगा रहा है वो, लेकिन ये उसके रेवेन्यू हो गया। लेकिन बोरोइंग वो कैसे कर रहा है कि बॉन्ड सर्कुलेट करके या फिर मनी प्रिंटिंग करके, क्योंकि उस सेंट्रल बैंक से कह रहा है कि जो है वो मनी प्रिंट करें मेरे लिए। तो ये दो चीज़ें जो है वो पब्लिक सेक्टर की बोरोइंग रिक्वायरमेंट के जो है वो पूरा कर रही है। अच्छा, अब तो चेंज इन बेस मनी का तो हमें पता है कि वो थ्रू मनी प्रिंटिंग होता है, चेंज इन डेट जो है वो उसकी किस कितने टाइप्स होते हैं अगर इसकी मैं बात करूँ तो डेट जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ। तो इंटरनल डेट भी हो सकता है और एक्सटर्नल डेट भी हो सकता है। इंटरनल डेट की क्लासिफिकेशन अगर हम जाएँ तो एक तो वो डेट जो आप इशू कर रहे थे न्यू डेट, यानी आप क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं बॉन्ड, एक नई कीमत जो है वो आपने उसके बॉन्ड इशू करे और जो है वो इकोनॉमी में जो है वो सेल कर दिए, लोगों ने उसे खरीद लिया और आपके पास जो है वो पैसा आ गया, ये आपका पहला डेट न्यू डेट क्रिएट हुआ है, आपने अभी अभी बॉन्ड सर्कुलेट किया है। दूसरा रीपेमेंट ऑफ मेच्योर डेट, दूसरे डेट की क्या कंडीशन है कि अब आपने कोई डेट बॉन्ड सर्कुलेट किया था, अब उसकी मेच्योरमेंट पीरियड आ गया, यानी वो मेच्योर हो गया, अब आपको जो है उस पर पेमेंट करनी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो लोगों को वापस करना है। तो ऑब्वियसली ये भी आपका एक डेट है जो कि आपको जो है वो पे करना है, लाइबिलिटी है आपके ऊपर ये। तो डेट इंटरनल डेट दो तरह के हो सकते हैं, एक कि आपने नया डेट क्रिएट किया और दूसरा जो पुराना डेट था वो अब मेच्योर हो गया, आप उसको पे करना है। अच्छा, इशू न्यू डेट में अगर आप आएँ तो अब ये दो तरह के डेट जो है इशू कर सकते हैं, अनफंडेड डेट एंड फंडेड डेट। अनफंडेड डेट बेसिकली नॉन मार्केटेबल और गवर्नमेंट डेट को कहते हैं, जिसको हम NMGD से जो है वो शॉर्ट फॉर्म इशू कर सकते हैं, और फंडेड डेट मार्केटेबल गवर्नमेंट डेट होता है और इसको हम MGD से जो है वो इशू करते हैं। अच्छा, मार्केटेबल डेट जो है इट कैन बी परमानेंट और फ्लोटिंग। सबसे पहले नॉन मार्केटेबल और मार्केटेबल कौन से होते हैं, नॉन मार्केटेबल जो होते हैं जो कि आप किसी को भी आसानी से जो वो सेल या परचेज उसका नहीं कर सकते, ये नॉन मार्केटेबल गवर्नमेंट डेट होते हैं। और आप इसकी जो है वो एक जैसे कि यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि नेशनल सेविंग स्कीम के जरिए जो के आ रहे होते हैं अनफंडेड डेट होते हैं, जो कि अब जो है वो आपने बॉन्ड खरीदा पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया, अब गवर्नमेंट को उस पर जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं फ्यूचर में, अब हम इसे मार्केट में सेल नहीं कर सकते, सिर्फ गवर्नमेंट सेंटर जहाँ से हमने लिए से वहीं जाकर उसे बेच सकते हैं, तो उसे उन्हें जो है वो नॉन मार्केटेबल कहते हैं। मार्केटेबल गवर्नमेंट डेट कौन से होते हैं, जो कि यूजुअली बोरे होते हैं, और ये परमानेंट और फ्लोटिंग जो है वो उसकी टाइप्स है। परमानेंट डेट और वो बॉन्ड जो गवर्नमेंट वापस नहीं लेती, तो परमानेंट उसने एक डेट फेस कर लिया, अब जो है वो फ्लोटिंग क्या होता है कि ऑनरशिप जो है वो फ्लोटिंग में ऑनरशिप चेंज हो सकती है, कि अगर एक बंदा जो है वो चाह रहा है कि फ्लोटिंग बेसिकली डेट ही होता है कि एक दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट ने उसको सेल किया फिर परचेज कर लिया फिर सेल और परचेज चल रहा है, लेकिन परमानेंट में जब वो एक दफ़ा उसने सेल कर दिया तो फिर वो वापस नहीं लेता। तो ये तो हम डिफरेंट जो है वो बॉन्ड की जो है वो टाइप्स हैं। अच्छा, अब हम इक्वेशन को पब्लिक सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास ये था इसको तो हमने पब्लिक सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट लिखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट शो कर रहा है, डेफिसिट इज ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जो है वो पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसकी। अब चेंज इन बेस मनी, क्योंकि हमें मनी प्रिंटिंग से हो रहा है, चेंज इन डेट में हमने ये सारी टाइप्स लिख दी, नॉन मार्केटेबल गवर्नमेंट डेट, मार्केटेबल गवर्नमेंट डेट, MET जो है वो हमारा पेमेंट ऑफ मेच्योर डेट को हम कह रहे थे, ये भी हमारा डेट क्रिएट हो रहा था, और प्लस जो है वो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व, यानी चूँकि आप जो है वो अगर एक्सटर्नल डेट क्रिएट करें, एक्सटर्नल बॉन्ड सर्कुलेट करें, तो आपको उस पर देना भी जो है वो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व देनी पड़ेगी, यानी डॉलर इन टर्म्स ऑफ डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब चूँकि हमें चेंज इन बेस मनी के टर्म्स में करें तो बेस मनी यही रहेगी, बाकी ये सब उधर चला जाएगा, तो इसका चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे चेंज इन बेस मनी के लिए ये फैक्टर्स निकल के आ गए, तो अब बेस मनी भी जो है हमारी चेंज हो सकती है अगर ये फैक्टर्स हमारे चेंज हो गए। तो अब जो है वो मनी मल्टीप्लायर हमारा कॉन्स्टेंट नहीं रहा, अब वो जो है वो इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, चेंज हो सकता है क्योंकि डिफरेंट फंक्शन से हम इसको रिलेट करें।